सार्वजनिक शौचालयों को सुमुहूर्त नहीं बल्कि बिजली कनेक्शन का इंतजार है। आकर्षक टाइल्स लगे भवनों पर स्वच्छता का पैगाम देते स्लोगन बरबसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इनकी संख्या एक दो नहीं बल्कि 29 है, जिन्हें रंग रोगन करके तैयार कर दिया गया है। इंतजार है तो सिर्फ बिजली कनेक्शन का, ऐसे में करोड़ों की लागत से बने सार्वजनिक शौचालय महज दिखावा मात्र है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों के लिए 100 सीट का लक्ष्य शासन ने निर्धारित किया गया था। इसके लिए प्रति सीट 78,400 रुपए केंद्र और प्रदेश सरकार से दिए गए। शेष धनराशि की व्यवस्था निकाय को करने को कहा गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 शुरू हुआ तो इसमें भी तेजी आई। ODF प्लस बनाने के चक्कर में आनंद फानन में सामुदायिक शौचालयों को तैयार कर दिया गया। इसमें कुछ पुराने शौचालयों को भी रंग रोगन कराया गया। सर्वेक्षण टीम के जाने के बाद अधिकारी शिथिल हो गए। देखते ही देखते 5 महीने से अधिक हो गए, अब तक यह चालू नहीं हो सके। हालांकि कुछ में अधिकारियों के नाम लिखे पत्थर जरूर लग गए हैं, जो लोगों को मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। इन शौचालयों के संचालन के लिए पालिका द्वारा संस्था का चयन कर लिया गया है। लखनऊ की एक फर्म को काम दिया गया। वर्तमान में फर्म द्वारा कई बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इसी माह स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इन शौचालयों में बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं हो सका है। बजट होने के कारण इन शौचालयों में भरपूर काम हुआ। पानी की समस्या न हो इसके लिए बोरिंग कराकर पानी की टंकियां रखवाई गई। जिला अस्पताल, कैनाल रोड, हाथी पार्क, इंदिरा नगर, जेल रोड, बस स्टेशन आज के निकट के सामुदायिक शौचालय पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन वह सिर्फ शोपीस बने हुए, आज तक वो अभी चालू नहीं हो सके हैं, जबकि इनका निर्माण बीते 6 महीने पूर्व हो चुका है।